मेरा नाम बिनिश मसीह है। मैं एक जगह पे काम करती थी, एक लड़का था वहाँ पे, वो मेरे साथ ही काम करता था वहाँ क्या पे, नाम था उस लड़के का? मोहम्मद अल असद, मोहम्मद। अल असद। वो अच्छा मुझे इस्लाम कबूल करने पर फोर्स करता था। वो जी मुझे कहता था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम मुस्लिम लगती हो, तुम क्रिश्चियन नहीं लगती। इस वजह से मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी थी। मैंने मलेशिया टाउन में एक हाइपर बाजार है वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ से एक दिन मैं काम पर जा रही थी, उन्होंने रास्ते में मुझे अगवा कर लिया एक वाइट रंग की कार में, और वो मुझे एक नामालूम जगह पर ले गए जिसका मुझे नहीं पता था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया जिसका वो भी नहीं मुझे पता था, और उन्होंने कुछ पेपर्स पर अंगूठे लगवाए और मेरी वीडियो बना ली। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं भाग जाऊंगी या कहीं चली जाऊंगी तो वो मेरी ये वीडियो को वायरल कर देंगे, और मुझसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लिया। और मुझे उस कमरे में रखते थे और इंजेक्शन लगाते थे, नशे की दवाइयाँ देते थे, जिसकी वजह से मुझे कोई होश नहीं आती थी कि मैं कहाँ पर हूँ। एक दफ़ा मुझे थोड़ी सी होश आई, मैंने देखा कि वो मुझे बेचने लगा है जनूबी पंजाब में, और उसने 5 लाख रुपये ले लिए थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं घर पर अकेली थी, मैंने वहाँ से भागकर एक रिक्शे वाले को कहा कि मुझे अब मैं अपने घर जाना है ग्रीन टाउन, मगर मैं नशे की हालत में थी, मुझे नहीं पता था। उसने मुझे ग्रीन टाउन तो उतार दिया, मगर आके मुझे कहाँ जाना था सड़कों का मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा था। मैंने वहाँ रास्ते में एक अंकल से मदद ली, मैं नशे में थी, अंकल को नहीं पता चल रहा था, अंकल को मेरी बात भी नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने मुझे ग्रीन टाउन के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। वहाँ से उन्होंने मुझे दारुल रहमान भेज दिया। एक रात मैं वहाँ पर रही, और जब मुझे थोड़ी सी होश आई, मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया, तो मेरे वालदैन मुझे वहाँ से लेने आ गए। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, इस बच्ची का ये बताना है कि एक जगह पर ये काम करती थी, वहाँ पर वो लड़का इसको परेशान कर रहा था। मैं आपको बच्ची की वालदा से मिलवाता हूँ, उसके बाद मैं इस सारे केस की जो डिटेल है, मेरे साथ मौजूद हैं राणा बरनाबास अय्यूब साहब, ठीक है, उनसे मिलवाता हूँ। बच्ची की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहना, ये सारे